गुजरात के अमरेली में 15 जुलाई को सीमेंट एजेंसी की दुकान में 98,400 रुपयों की लूट करने वाले चार आरोपियों को अमरेली एलसीबी पुलिस ने चंद घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। अंजनी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स हाथी सीमेंट के डिपो में सीमेंट लेने के बहाने आए दो लोगों के ने अन्य लोगों की सहायता से 98,400 रुपयों की लूट कर ली थी। मामले में आरोपियों को नगद और लूट में इस्तेमाल रिक्शा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरेली शहर पुलिस स्टेशन में चुना मार्केट यार्ड पास आवेल अंजलि सीड्स एंड फर्टिलाइजर नाम की दुकान में वल्लभ भाई पोपट भाई परवाड़िया के जे हाजर था अने चारेक जना लोग आया अने सीमेंट की थैली लेवी छे एम कहीने सीमेंट की थैली बताओ एम नजर चूकवी एमना ड्रॉर में 98,400 रुपया ले लीधेल जेनो वल्लभ भाई ने अंदाज आ जाता एमने धक्को मारी ने त्रणे जना दुकान में नासी गए अने चौथो व्यक्ति रिक्शा लईने दुकान की नजीक तैयार ज उभा था। चार जना 98,400 रुपया की चील झड़प करेल जेनु अमरेली सीटी पुलिस स्टेशन में गुनो दाखिल करवामां आव्यो। त्यारबाद एसपी सर की सूचना आधार एलसीबी पीआई पटेल नाव द्वारा अलग अलग टीमों बनावी और ह्यूमन इंटेलिजेंस टेक्निकल सर्विलेंस आधार चेक करता चार आरोपी जामनगर हापा रेलवे स्टेशन बाजू हुई राजेन्द्र दांदल धनसिंह सोलंकी सन्नी परमार धनसिंह डांबी आ चार जनाओं ने ट्रेक कर अटक कर गुना इतिहास चेक करता एक आरोपी जामनगर लालपुर पुलिस स्टेशन में धनसिंह सोलंकी विरुद्ध चोरी गुनो दाखिल है। हाल में आग तपास कार्यवाही चालू है। छत्तीसगढ़ के मरवाही नगर पंचायत के अध्यक्ष समेत पार्षदों के मनोनीत होने के बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम में गोरेला पेंजुआ मरवाही के प्रभारी मंत्री और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और मरवाही के विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची भी शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा नेताओं का कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी और पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह ठाकुर समेत के सभी पार्षदों को प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के समक्ष शपथ दिलवाई गई। मरवाही नगर पंचायत काफी लंबे समय से मांग थी जो कि आज आके उसकी प्रतिपूर्ति हो पाई है और मेरा प्राथमिकता ये रहेगा कि विकास जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, चूंकि पहले नरेंद्र मोदी जी थे, अभी विष्णुदेव साय जी हैं और मैं, मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार है, उस हिसाब से मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा विकास करने का प्रयास करूंगा। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जिला गोरेला पेंजुआ मरवाही में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की बदहाल व्यवस्था पर सवाल करने पर प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आने वाले समय में विष्णुदेव की सरकार में नगर पंचायत मरवाही में निश्चित ही विकास की गति निरंतर बढ़ेगी। आज नगर पंचायत के मरवाही के प्रथम अध्यक्ष के रूप में हमारे बहुत ही लोकप्रिय किशन ठाकुर जी को आज पदभार ग्रहण करना था। उस शुभ मुहूर्त में मैं भी आया था, मैंने उनको बधाई शुभकामना दी और ये नगर पंचायत मरवाही निश्चित रूप से आने वाले समय में अपने इस क्षेत्र के विकास के साथ यहाँ के लोगों को सुविधाएं देने के साथ साथ आगे प्रगति पर बढ़े, ऐसी शुभकामना हमारी ओर से है। गुजरात के वडोदरा शहर में ताजिया विसर्जन की धूम कल दिन भर देखी गई। आधी रात तक वडोदरा में ताजिया विसर्जन जारी रहा। बड़े बड़े ताजिया ज्यादातर रात को ही विसर्जित करने की परंपरा है। उसी के तहत हजारों की संख्या में मुस्लिम बंधुओं के साथ साथ हर कौम के लोगों ने जुड़ते हुए ताजिया विसर्जन के पर्व को मनाया। वडोदरा पुलिस के चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच ताजिया विसर्जन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। पुराने वडोदरा शहर में रात तक ताजिया विसर्जन की धूम देखने मिली, जिसमें उत्साह से हजारों लोग शामिल हुए।